ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। सरकार जमीन सर्वे कराने जा रही है। अक्सर आपने अपने आसपास क्षेत्रों में देखा होगा कि पड़ोसियों का जमीन से विवाद है या आपका भी कहीं ना कहीं जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आता है। इन जमीन विवाद से निपटने के लिए अब क्या करना चाहिए? जमीन सर्वे अब बिहार में होने जा रहा है और बिहार में ये जमीन सर्वे जो है 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और यहां अब आपके पड़ोसियों से जो झगड़े हैं वो खत्म हो सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाने हैं। आपको बता दें कि 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो रहा है और ये सर्वेक्षण राज्य के 45,000 से अधिक गांव में होगा और सरकार जो है इसके लिए 177 तरह की लिस्ट बनाई है जो आपसे पूछा जाएगा, जिसके बारे में आपको जानकारी होगी या सरकार किस तरह से जमीन का सर्वे करेगी और इसमें आपके जमीन की पूरी जानकारी होगी। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य जो है वो पुराने नक्शे को और खतियान को अपडेट करना है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो विवाद है आपके आसपास उस विवाद को सरकार खत्म करना चाहती है और पुराने रिकॉर्ड्स जो जमीन के हैं उसको दुरुस्त करना चाहती है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य जो है वो समस्या का समाधान करना है। अब ये सर्वेक्षण जरूरी क्यों है, ये सवाल भी लोग अक्सर पूछते हैं। तो लोगों का जो ये सवाल होता है कि ये सर्वेक्षण सरकार करा रही है, इसका मकसद क्या है, आपके आसपास जो गैर मंजूरहुआ जमीनें हैं उसका मकसद क्या है, तो आपको पूरी बात हम बताते हैं कि जमीन के रिकॉर्ड को सरकार जो है वो चाह रही है कि इसे और पारदर्शी बनाया जाए और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य भी है। इससे न सिर्फ जमीन से जुड़े हुए विवाद कम होंगे बल्कि आपको ये भी पता चल सकेगा कि जमीन का असली मालिक है कौन, क्योंकि अपने आसपास आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी जमीनें रहती हैं जिसको आम भाषा में पड़ती जमीन बोलते हैं, वो सरकारी जमीन होती है। सरकार को यह भी जानने में मदद मिलेगी कि उनकी जमीनें कितनी, यानी कि सरकारी जमीनें कितनी हैं और उस पर किसका कब्जा है। गैर मंजूरहुआ जमीन को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं आपके आसपास, तो इस विवाद को अब खत्म करने का वक्त आ गया है और सरकार जो है ऐसे जमीन को इसके रिकॉर्ड को इकट्ठा करेगी और हो सकता है अगर कहीं गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है तो सरकार ये जमीन जो है गरीबों को दे सकती है। इससे पहले क्या होता था कि सरकार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, कई जमीन पर इंक्रोचमेंट थे, अतिक्रमण थे, तो उससे भी अब मुक्ति मिलेगी। अब रही कागजातों की बात, तो कौन कौन से कागजात लगेंगे ये भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहले मृत जमाबंदी, रैयत की मृत्यु तिथि और मृत्यु प्रमाण पत्र ये रखने होंगे, जमाबंदी संख्या की विवरणी मालगुजारी रसीद संख्या के साथ, खतियान की नकल कॉपी यदि उपलब्ध है तो, दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी, अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति भी लगेगी, आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले का यानी मृतक का वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र, आप सही वारिस हैं, आप ही के नाम पर जमीन होनी चाहिए, उसके लिए प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी और साथ ही साथ आवेदनकर्ता के वोटर आईडी कार्ड की छाया प्रति भी लगेगी। तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके आसपास भी जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है तो इन सारे कागजातों को दुरुस्त कर लीजिए, सरकार आपके घर आ रही है, लैंड सर्वे होगा और इससे अब आप इन लड़ाई झगड़ों से मुक्ति पा सकते हैं। खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।